दो तरह की चांप जो कि है मलाई चांप एंड साथ में इनकी स्पेशल जो है स्पेशलिटी सनी लियोनी चांप यहां पे आ चुकी है। सबसे पहले मेन डिश सनी लियोनी चांप, भाई आप देख लो कितनी क्रीमी लग रही है। तो भाई पिज्जा खाने के बाद हमारी जो गाड़ी है वो आके रुकी है ओम चांप कॉर्नर पे। भाई पता नहीं कितनी ही वीडियोस देख रखी थी मैंने इनकी, मैंने सोचा यार साथ में ओम चांप कॉर्नर की चांप टेस्ट भी कर लेंगे। यार सनी लियोनी चांप मिलती है यहाँ पे, कौन नहीं खाना चाहेगा, हम भी खाने आ गए हैं एंड टेस्ट भी कर लेंगे, इसी बहाने वीडियो भी बना लेंगे और आपको भी दिखा देंगे कि इनकी चांप कैसी है एंड इनकी चांप बनाने का एक थोड़ा सा यूनिक तरीका है वो भी आपको दिखाते हैं। तो लेके चलते हैं आपको ओम चांप कॉर्नर पे, सो लेट्स गो। तो भाई देख लो पता नहीं 100 से पता नहीं 150 सीख लगाई हुई है यहाँ पे चांप की, साइड पे भी है एंड मतलब चांप देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है। बाकी टेस्ट करके देख रहे हैं कि इनकी सनी लियोनी और मलाई चांप कैसी है। तो लोकेशन का मैं आपको बता देता हूँ, ये है हरीश बेकरी सोना चौक गुड़गांव में, गुड़गांव सोना चौक हरीश बेकरी के बिल्कुल आप अगर सामने देखें तो ये रहा हमारा ओम चांप कॉर्नर। बाकी गूगल मैप्स की जो लोकेशन है एंड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा एंड अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको चांप कैसे लगती है। तो भाई चांप जो है हमारी वो तंदूर के अंदर चली गई है एंड पक रही है, अभी जब इस पे क्रीम वगैरह लगेगी तब आपको दिखाते हैं कि चांप कैसी लगती है। तो ये है चंदन सर, ये यहाँ के ओनर हैं ओम चांप कॉर्नर के। एंड सर पहली बात तो ये सनी लियोनी चांप आपको नाम सूझा कैसे, आप ये बताइए सनी लियोनी चांप ही क्यों? सर जी हमारा जो सनी लियोनी है जो हर जगह से बेस्ट है और इसके टेस्ट भी सबसे यूनिक है। ओके, यूनिकनेस की वजह से हमने यूनिक सा नाम रखा है। हाँ जी, और इसके टेस्ट जब आप खाएंगे तो पता चल जाएगा कि टेस्ट क्या है, इसमें आपको तीन चार तरीके का टेस्ट आएगा। ओके, स्वीट प्लस चटपटा होता है सर। अच्छा चटपटा स्वीट सारा मतलब फ्लेवर एक में ही है। हाँ जी। तो यार ये तो मतलब ना अभी भाई ने बता दिया कि कैसी होने वाली है चांप, तो मतलब बहुत ज़्यादा मन सा कर रहा है आप तंदूर में गई हुई है चांप खाएंगे। एंड सर आप टाइमिंग के बारे में बता दिए, टाइम क्या है? सर टाइमिंग हमारा 5 से लेके रात को 11 बजे तक होता है। दोपहर को 5 बजे से लेके शाम को रात को 11 बजे तक आपको चांप मिलेगी एंड आप ये देख सकते हैं कि 99 में आपको फुल प्लेट चांप मिल रही है। अगर आप कोई भी चांप लेते हैं तो 99 रुपीज़ इज़ द प्राइस फॉर एनी टाइप ऑफ चांप एंड बस चांप तंदूर से निकलने वाली है, फिर हम मतलब तड़का लगवाते हैं चांप को। तैयार कर रहा हूँ, हाफ हमने पनीर टिक्का लगवाया है, हाफ वैसे अवेलेबल नहीं है पर यार आपको पता ही है पिछली शूट में काफ़ी खा लिया तो इधर हाफ हाफ लगवा रहे हैं हर एक चीज। मलाई सर पनीर को हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, इसमें हल्का सा लच्छा पराठा लच्छे प्याज डालेंगे, उसके बाद सर इसमें हम चाट मसाला डालेंगे जो हमारा चाट मसाला MDS का होता है, इसमें हम मक्खन डालेंगे जो हमारा मक्खन अमूल का होता है, इसके बाद ये हमारा मास्टर चटनी होता है। मास्टर चटनी ये खुद बनाते हो आप? हाँ जी हाँ, खुद बनाते सर, ये हमारा यूनिक है। और इसकी रेसिपी दोगे? नहीं जी चलो रेसिपी नहीं मिलेगी, मास्टर चटनी डल गई है। ये हमारा ग्रीन चटनी होता है, ग्रीन चटनी भी हमारा हर जगह से बेस्ट मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद इसमें हल्का क्रीम डलेगा। भैया का दावा है कि आपको ऐसा ग्रीन चटनी पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। और सर ये हरा धनिया। ओके, उसके बाद सर इसमें हल्का नींबू डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये तंदूर के अंदर जाने वाला है पनीर टिक्का। मेरे जी पनीर टिक्का गया तंदूर के अंदर पकने के लिए, भाई साहब क्या ही मतलब यूनिक तरीका है बहुत चांप को बनाने का, तड़का लगा के उसको तंदूर में पका रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड अभी लगवाते हैं हमारी सनी लियोनी चांप। तो लो जी हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी है खाने के लिए एंड इसके ऊपर जा रही है क्रीम, साथ में जा रहा है धनिया, इसे भी थोड़ी सी लच्छी प्याज जाएंगे, मतलब सभी कुछ भाई सेम ही जाएगा एक हिसाब से।
जी सली रियोनी में सेम जाएगा, मलाई में अलग डिफरेंट होगा, इसे भी हल्का चाट मसाला जाएगा, उसके बाद इसमें भी सब बटर जाएगा। ये सबसे मेन चटनी बनाया जाता है सनी लियोनी के लिए। अच्छा, ये सनी लियोनी के लिए मेन है, बाकी सब में तड़का लगाते ही हो इसका। ठीक है जी, सनी लियोनी चाप का मेन इंग्रेडिएंट इसकी मास्टर चटनी। लो जी सनी लियोनी चाप, लो जी सनी लियोनी चाप भी हमारी तैयार है तंदूर में पकने के लिए। तो भाई दो तरह की चाप जो की है मलाई चाप एंड साथ में इनकी स्पेशल जो है स्पेशलिटी सनी लियोनी चाप यहाँ पे आ चुकी है एंड साथ में है पनीर टिक्का। तो इनकी कर लेते हैं टेस्टिंग। सबसे पहले मेन डिश सनी लियोनी चाप, भाई आप देख लो कितनी क्रीमी लग रही है देखने में तो और फ्रेग्रेंस में काफ़ी बढ़िया है। अभी टेस्ट कर लेते हैं। ओह भाई साहब टेस्ट A1, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए भैया, इतनी ज़्यादा ये अच्छी बनी है ना, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इसको मुश्किल ही है यार। ऑसम। और अब कर लेते हैं टेस्ट पनीर टिक्का। पनीर टिक्के का लगभग सेम ही टेस्ट होने वाला है क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट्स डले हैं सनी लियोनी चाप के जैसे। टेस्ट अलग होगा भैया, कह रहे हैं टेस्ट अलग होगा, बाकी देख लेते हैं। ओ भैया मैरिनेशन में फर्क किया है इसकी, भाई मैरिनेशन का ही फर्क है। और ना सच में भैया की बात सही है, भी टेस्ट में तो फर्क है, टेस्ट में फ़र्क है पर इक्वली एज गुड है, बहुत बढ़िया दोनों तरह के। मतलब आप देख लो अभी भी बीच में ये देख लो बटर है बीच में, टेस्ट काफ़ी बढ़िया, जो पनीर की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, पनीर सॉफ्ट है काफ़ी, मुंह में जाकर घुल रहा है। एंड यार टेस्ट मिठास है टेस्ट में, टेंगीनेस है, स्पाइसीनेस है, ओवरऑल टेस्ट दोनों चीज़ों का ऑसम। बाकी इनको करते हैं साइड। एंड जो मेरी फेवरेट रही है आज तक, मतलब अभी यहाँ पे आ गए तो मैं सनी लियोनी चाप भी ट्राई करा करूँगा, बट मेरी फेवरेट अभी तक के लिए तो मलाई चाप ही थी, तो वो कर लेते हैं अभी टेस्ट। देख लो मलाई चाप कितनी बढ़िया है, इसमें जो इनकी मास्टर चटनी है वो डोमिनेटिंग थी, इसमें जो क्रीम एंड धनिया का फ्लेवर है ना, फ्रेश धनिया जो ऊपर से डाला है उसका काफ़ी सही टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी तीनों तरह की, मतलब मैं ओवरऑल रेटिंग दे रहा हूँ तीनों की, टेस्ट ऑसम है। बाकी ये तीनों चीज़ें ख़त्म करके आपको देते हैं फाइनल वीडियो की एंडिंग। सर जैसे आपने मैंने आपको ट्राई करवाया, आपको टेस्ट कैसा लगा सर? भाई टेस्ट मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया, टेस्ट यार तीनों चीज़ों का मस्त है। बाकी यार और भी चीज़ें हैं इनके पास, आपको मेन्यू की फ़ोटो साइड पे दिख रही होगी, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप यार स्क्रीनशॉट मत लो, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ के आके आप ट्राई भी करो एंड कमेंट में बताओ कि कैसा है। एंड सर एक और बात बताना चाहते हैं, पता नहीं क्या हमें भी नहीं अभी तक बताई, तो सर आप वो बता दीजिए। सर हमारा एक यूनिक है कि हमारे यहाँ अगर किसी कस्टमर को टेस्ट पसंद नहीं आता है उसका कोई चार्ज नहीं है, हमारे यहाँ टेस्ट पसंद आने के बाद ही चार्ज लेंगे। अच्छा मतलब टेस्ट पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो पैसे वापस। हाँ जी मतलब अगर टेस्ट आपको पसंद नहीं आया तो सर कह रहे हैं आपको चार्ज नहीं करेंगे, पर यार वो चीज़ होगी नहीं, जो ये टेस्ट और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना 100 रुपीज़ में, वो मेरे को नहीं लगता अभी आपके पैसे बचने वाले हैं, पैसे लगने ही लगने वाले हैं। तो चाप मैंने खा ली, रेटिंग आपको दे दी, इस वीडियो के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर ले, यहाँ पे आके चाप ट्राई करें। एंड अगर आपने इस वीडियो का बिहाइंड द सीन्स देखना है या मेरी बाकी वीडियो का बिहाइंड सीन्स देखना है तो जय की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।